फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन और ये रही हमारी ट्रेन। तो चलते हैं हम लोग स्टेशन से बाहर। ये है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन और अभी ये ना पूरा न्यू बनने वाला है। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग अपने कैब में बैठ चुके हैं और अब जा रहे हैं दीदी के घर की तरफ। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं दीदी के घर और हमारी दीदी खड़ी हमारा वेलकम करने के लिए। गुड मॉर्निंग, सो वेलकम टू अ न्यू डे। और अभी टाइम हो रहा है 7:23 और अभी सब लोग मैं तो अभी सो के उठाऊं, रात को सोए सोए नहीं सोए, ट्रेन में मेरे को नींद तो आती नहीं है और अभी सब लोग सो रहे हैं, दिखाता हूं आप लोगों को। प्रीति भी सो रही है क्योंकि खांसी की वजह से सो नहीं पाती है और मम्मा भी सो रही है और ये विन्नू भी सो रहा है और चाय आ गई है। चलिए चाय बनाते हैं और पीते हैं। और अभी हम लोग आई थिंक कानपुर तो निकल गया था 5 बजे, गाड़ी एकदम राइट टाइम, तो ट्रेन राइट टाइम है एकदम। और मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो मैं भी उठ गई हूँ और पूरी रात ना खांसी की वजह सो ही नहीं पाई तो सुबह की तरफ आंख लगी थोड़ी सी। और यहाँ पर हमारा आ गया है ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, आपको दिखाते इसमें क्या क्या है। तो यहाँ पर हमें मिली है 2 ब्रेड स्लाइस और इसमें है कटलेट और यहाँ पर मिला है हमें 1 बटर और 1 है केचप और इसमें है जूस। तो चाय और कॉफ़ी हमने मंगवाई है तो अभी आती होगी क्योंकि मैं तो चाय ही पीऊँगी, जूस तो पीने का सवाल ही नहीं होता, नहीं तो और खांसी होगी। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, विनी अभी तक सो रही है। तो फ्रेंड्स सब लोग जग चुके हैं और ब्रेकफास्ट भी कम्प्लीट हो चुका है, देख रहे हैं। और अभी हम लोग आ गए हैं गाजियाबाद। अभी डिनर भी कंप्लीट हो चुका है। डिनर राइट नाइट में होता है, अभी ब्रेकफास्ट होता है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग आ गए हैं गाजियाबाद और दिखाता हूँ बाहर से। और ये लो, ये लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, हमारी ट्रेन चल रही है बॉस। और ये लोग भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, धीरे धीरे चल रही है, रेंगते रेंगते ताने 1 घंटे में पहुँचेगी दिल्ली तक। तो अच्छा ये बल्कि ये बताओ आपकी तबीयत कैसी है? खांसी बहुत बहुत आ रहा है, पूरी रात तो सो ही नहीं, 3 रातों से इतनी खांसी है कि जैसे बोलो ना तो खांसी एकदम फटने लगती है। तो इस वजह से इन्होंने पूरा व्लॉग शूट किया है, मैंने कुछ भी नहीं बोला क्योंकि मैं इस हालत में ही नहीं थी। नहीं आपकी बताया फेस देख के लग रहा है कि तबीयत ठीक नहीं हुआ है ना, तो 3 रातों से आंखों में नींद नहीं आ रही। ऐसे कुछ रहा है क्या? गाजियाबाद का आउटर था। तो बस थोड़ी देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन और ये देखिए यमुना जी, पानी बिल्कुल काला रखा है यमुना जी का। तो बस पहुंचने वाले हैं, रेडी हो चुके हैं हम लोग उतरने के लिए, सारा सामान हम लोगों ने निकाल लिया है। हाँ ड्राई ड्राई से, एकदम ड्राई ड्राई। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन और ये रही हमारी ट्रेन। सब लोग यहाँ पर खड़े हैं, तो चलते हैं हम लोग स्टेशन से बाहर, करते हैं कैब और फटाफट से पहुंचते हैं विनी की बुआ के घर पर। विनी बहुत बहुत ज़्यादा मिस कर रही है बुआ को और देखो कितना खुश है। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं स्टेशन से बाहर और ये देखिए ये है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन और अभी ये ना पूरा न्यू बनने वाला है। ये देखिए बहुत ही सुंदर, बिल्कुल चेंज हो जाएगा सब कुछ। तो हम लोग बाहर खड़े हैं, कैब कर ली है, कैब का वेट कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर सब लोग खड़े हैं। तो हमारी कैब अभी आने वाली है थोड़ी देर में। बहुत गर्मी है, गर्मी हाँ वास्ते बहुत गर्मी है। विनू कैसा लग रहा है? गर्मी है लेकिन विनी तो एक्साइटेड है बुआ घर जाने के लिए। मम्मी गर्मी है? बहुत गर्मी है। हम लोग अपनी कैब का वेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग अपनी कैब में बैठ चुके हैं और अब जा रहे हैं दीदी के घर की तरफ। बहुत ज्यादा गर्मी है,
लेकिन विनी सुपर एक्साइटेड, हमारा लगेज गिर गया है। विनू तेरी भाई कहाँ जा रहे हो? पीटी। मम्मी की तो हालत खराब है, पसीने गर्मी की वजह से ठंडा हो जाएगा। अभी टाइम कितना हो रहा है? अभी टाइम हो रहा है 10:34। इस टाइम यहाँ का जो टेम्परेचर है ना वो कितना? 40। अभी 36 नहीं, ये अपना वाला है, कमला मार्केट। अब आया है कमला मार्केट, कोलकाता का है। हाँ, कोलकाता में इतना भी नहीं है, में तो इससे भी कम है। बारिश हो रही है ना, 43 डिग्री है, 43 डिग्री यहाँ का। भाई साहब बहुत गर्मी है। उस दिन दीदी ने बताया था जब फोन पे बात हुई थी, 47 था उस दिन टेम्परेचर। यहाँ गर्मी है, एसी नहीं है। एसी है, चलो कितना काम करेगा एसी। आगे बैग रखे हुए हैं तो थोड़ा टाइम लेगा ठंडा करने में। सरफराज भाई तीन पर कर दीजिएगा फैन, फिर बाद में दो पर कर लीजिएगा, थोड़ा ठंडा कर लेकर। देखो कौन आ गया, देखो ये सब देखो। विनी तो नहीं जाएगी, विनी के लिए साफ मनाया हमारे। बिस्किट नहीं मिलेंगे तो हम बिस्किट लेके आए होंगे। अरे भैया सबसे एक्साइटेड कोई है तो ये है। चलो एकदम सही टाइम पे मिल गया, नीचे मैं भी आया इसलिए नीचे। आ जाओ, चलो इधर ही है। तो भाई फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं दीदी के घर, और हमारी दीदी खड़ी है हमारा वेलकम करने के लिए। देखिए कितना खुश है, हमारा डुगू भी आ गया है, और हम लोग काफ़ी टाइम बाद मिले हैं। और डुगू बहुत मिस करता है विनी को, विनी डुगू को करती है, क्योंकि ये दोनों लोग जितना प्यार करते हैं ना उतना ये दोनों लड़ते भी हैं, और इन दोनों की ना लड़ाई देखना कितना स्टार्ट होगी। और यहाँ पर चल रहा है हमारा भरत मिलाप सब लोगों का, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हम लोग मिले हैं। और यहाँ पर हमें ना कुछ और नए मेंबर्स मिले हैं, ये देखिए हमारी जो दीदी है ना उनकी भांजियाँ हैं, वो भी यहाँ पर घूमने के लिए आई हुई थी। तो यहाँ पर भाई विनी को फुल कंपनी मिल गई है, तो सब लोग करने वाले खूब सारा धमाल। और यहाँ पर देखिए दीदी मम्मी का प्यार चल रहा है, तो मैं तो काफ़ी थक गई हूँ, तो मैं तो जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए, और उसके बाद फिर मिलती हूँ आपसे मैं थोड़ी देर में। अरे तो छोटी हुआ भी नहीं रही, ये फ्यू मोमेंट्स लेटर। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग पहुंच चुके हैं दीदी के घर पर, और आए थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद हम लोग सब लोग फ्रेश हुए, मतलब सब लोग नहीं, मैं और विनी फ्रेश हो चुके हैं, और विनी के डैडी और मम्मी अभी रह गए हैं। तब तक दीदी ने हम लोगों के लिए पूरा ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है, तो अभी दीदी ने बनाया है आज मैक्रोनी, जो कि सब बच्चों की फेवरेट है, डोगू की, विनी की, और भी बच्चे हैं सबकी, और मेरी भी फेवरेट है। और दीदी ने बनाया आलू के सैंडविच और चाय, और आ गए थे, और इतनी ज़्यादा मतलब मुझे खांसी है ना कि पूरे रास्ते तो बोला ही नहीं गया, मतलब इतना परेशान रही हूँ मैं, आपको क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा। और अभी भी इतनी परेशान हूँ, तो मैं अंदर रूम में आ गई हूँ, क्योंकि बाहर हॉल में एसी चल रहा है, तो मैं अंदर रूम में बैठ के कर रही हूँ नाश्ता। और तीन रात से और तीन दिन से तो बिल्कुल नॉन स्टॉप सो ही नहीं हूँ, क्योंकि जैसे ही लेटती हूँ ना तो इतनी तेज़ खांसी उखड़ती है कि ना मतलब हालत ख़राब हो जाती है। ऐसी खांसी मुझे लाइफ में फर्स्ट टाइम हुई है, मतलब इतनी महंगी खांसी मुझे कभी नहीं हुई। हाँ कोल्ड हुआ है कभी कभार, कोल्ड होता है ठीक हो जाता है, खांसी थोड़ी बहुत होती है ठीक हो जाती है, लेकिन ये तो यार इसने परेशान ही करके रख दिया। ये है, यहाँ पर देखिए हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, ये सैंडविच मैक्रोनी, और ये हमारी चाय। तो ये है, तो अभी बच्चे सब लोग नाश्ता कर रहे हैं, तो मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद दवाई खाऊंगी, और थोड़ी देर के लिए ना मैं सो जाऊंगी, तो थोड़ा सा आराम मिलेगा, क्योंकि मैं ना अभी हिल रही हूँ, एक तो सो ही नहीं हूँ तीन रात से भी, और वैसे भी
ट्रेन से उतरते हो तो ऐसा फील होता है हम लोग अभी भी ट्रेन में है, ऐसे हिलते हैं ना हम लोग ऐसे करके, तो बस वही फील हो रहा है अभी चल रहे हैं ना तो हिल रहे हैं, अभी भी ट्रेन में हम लोग बैठे हुए हैं। तो चलिए भी नाश्ता कर लेते हैं। कैसी बनी ये तो बताओ। आप